अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज को डिस्कस किया था जिसमें हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ भी थी और कोरेशियोज़ भी थी। तो अब उन्हीं की हेल्प से हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन जिस चैप्टर से आना है वो मोस्टली इसी एक्सरसाइज में से प्रूव लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रूव करने से पहले दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है स्पेशली इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। एक कि आपने जो आप रेशोज हैं, अब क्योंकि ऑब्वियसली हमने प्रूफ करना है, दो साइड्स हमें गिवन है, दोनों साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ करना है। हम एक लेट किया करेंगे और उसको सॉल्व करके दूसरी के इक्वल प्रूफ करेंगे, तो हम लेट किसे करेंगे, हमें यही अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि मोस्टली जिस साइड पर टैन या कॉट थीटा आ रहा हो उसको लेट कर लें, या फिर सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में आना हमारे लिए ईजी होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में सम भी आ रहा है और टैन और कॉट भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि इससे हमारे पास राइट हैंड साइड में आना यानी प्रोडक्ट में आना और साइन कॉस सीकेंट वगैरह में आना काफ़ी इजी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमें गिवन है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने लेट कर लिया। अब हमने इसको प्रूफ करना है इस साइड के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे, हम आपने पढ़ा हुआ टेन थीटा का फॉर्मूला आपने अगर याद हो, दैट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम इस टेन थीटा को लिख देंगे स्टूडेंट्स साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड सिमिलरली कॉट थीटा भी आपने पढ़ा था, ये हम टैन को इन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि जो कॉट है ये इसकी को रेशो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम, अगर आप एलसीएम देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम साइन स्क्वेयर थीटा, एंड सिमिलरली साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा। अब स्टूडेंट्स, ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी नो दैट दिस इज आवर आइडेंटिटी, ये अगर आपको याद हो आपकी आइडेंटिटी थी जिसको आपने पढ़ा था, ये किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट्स, ये वन की इक्वल होती है। आपने प्रूफ भी किया था कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, सो ऑब्वियसली वी कैन रिप्लेस इट बाय वन। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, वन बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, वन बाय कॉस क्या होता है आपके पास, सीकेंट, और वन बाय साइन क्या होता है, दैट इज कॉसिकेंट। तो वन बाय साइन को आप क्या लिख लेंगे, कॉसिकेंट लिख लेंगे, और वन बाय कॉस को आप क्या लिख लेंगे, सीकेंट थीटा, एंड दैट इज यूर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। तो ऑब्वियसली प्रूव हो गया, सो आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, आप ऐसे लिख दें या जो आपको गिवन स्टेटमेंट है आप वो पूरी स्टेटमेंट भी रिपीट कर सकते हैं। सो दैट इज पार्ट वन। अब हम मूव करते हैं पार्ट टू की तरफ। स्टूडेंट्स, पार्ट टू तो बहुत सिंपल है। अब देखें, आपको पार्ट टू में गिवन है सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू वन। स्टूडेंट्स, आपने प्रूफ करना है इसको वन के इक्वल है। अब देखें, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, ये सारी एक दूसरे की को रेशोज हैं, आपने पढ़ा हुआ है। सीकेंट थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वन ओवर कॉस थीटा से। कॉसिकेंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं वन ओवर साइन थीटा से। ये एज इट इज रहने दें साइन थीटा, और ये कॉस थीटा भी एज इट इज रहने दें। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, साइन थीटा से कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कैंसिल आउट, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और सारी टर्म्स वन है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, विच इज योर राइट हैंड साइड। अगेन आप स्टेटमेंट लिख दें, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा प्रूफ था। नाउ लुक एट द पार्ट थ्री। अगर आप पार्ट थ्री देखें तो स्टूडेंट्स, पार्ट थ्री आपको गिवन है कॉस थीटा प्लस टैन थीटा इंटू साइन थीटा, और आपने इसको प्रूफ करना है इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। अगेन आपने कन्वर्ट करना है इंटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब भी आपने सिंगल में कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, अब इस केस में आपने कौन सी साइड लेनी है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड,
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ही आप उसको प्रूफ कर सकते हो इजीली. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा. तो स्टूडेंट्स फर्दर स्टेप क्या होगा, कॉस थीटा आपका एज इट इज आ जाएगा, टेन थीटा का आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये साइन थीटा एज इट इज. नाउ साइन साइन से मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है साइन स्क्वेयर थीटा. सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा ओवर कॉस थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा. अब इनका हम एलसीएम लेंगे. अब स्टूडेंट्स वन और कॉस थीटा, तो वन और कॉस थीटा का आपके पास जो एलसीएम आएगा दैट विल बी कॉस थीटा. तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा एलसीएम आ गया, वन से डिवाइड होगा ऑब्वियसली कॉस थीटा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स क्या आएगा कॉस स्क्वेयर थीटा. एंड सिमिलरली कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, वन आंसर आ गया, और वन साइन स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई आ गया स्टूडेंट्स क्या आएगा साइन स्क्वेयर थीटा. नाउ अगेन आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू वन. तो उसको वन से रिप्लेस कर दें, वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या होता है दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा. तो हमारे पास प्रूव हो गया जो हम कहना चाह रहे थे. सो अगेन स्टूडेंट्स लास्ट पे स्टेटमेंट, दिस शोज that left hand side is equals to right hand side. तो students प्रूव हो गया आपका, ये आपका थर्ड पार्ट था. सो इफ यू लुक एट द फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट एग्जैक्टली सेम इसी तरह से है, जस्ट वैल्यूज का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे. तो मैं आपको फिफ्थ पार्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ. स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फाइव देखें, पार्ट नंबर फाइव में गिवन है सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और आपने प्रूफ करना है दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट. तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इस केस में भी. अब लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट सीकेंट स्क्वेयर थीटा. स्टूडेंट्स अगर आपको आइडेंटिटीज याद हो आपकी, तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा. तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के साथ. स्टूडेंट्स नेगेटिव का साइन एज इट इज, कॉसिकंड स्क्वेयर थीटा इसकी भी आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो उसकी आइडेंटिटी कॉट के साथ है, एंड दैट इज वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा. अब क्योंकि स्टूडेंट्स माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट की दोनों जो टर्म्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे. तो उसे आप फर्दर क्या लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा माइनस वन माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा. तो स्टूडेंट्स प्लस वन और माइनस वन क्या हो गया कैंसिल आउट, और हमारे पास रिमेनिंग क्या आया दैट इज tan square theta minus cot square theta. अगर आप देखें तो that is your right hand side. तो obviously prove हो गया and at the end you will write this shows that left hand side is equals to right hand side. Students आप ये लिख दें वो भी ठीक है, otherwise जो आपको question की statement given है वो भी ठीक है. तो अब आप move करते हैं next part की तरफ. स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सिक्स दैट इज कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, एंड वी हैव टू शो इट इक्वल्स टू कॉट स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वेयर थीटा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन से कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में. ऑब्वियसली अगेन हम क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा. अब स्टूडेंट्स कॉट स्क्वेयर थीटा, कॉट स्क्वेयर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इट कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा एज इट इज आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट विल बी एलसीएम साइन स्क्वेयर थीटा और वन, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी साइन स्क्वेयर थीटा. अब देखें साइन स्क्वेयर थीटा से कैंसिल आउट, वन वन इज कॉस स्क्वेयर से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स क्या आएगा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वन है, तो वन जब साइन स्क्वेयर से डिवाइड होगा तो साइन स्क्वेयर थीटा आएगा, और साइन स्क्वेयर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा. अब अगर आप न्यूमिनेटर देखें तो आप कुछ कॉमन ले सकते हैं एंड दैट इज कॉस स्क्वेयर थीटा. तो न्यूमिनेटर से आप कॉस स्क्वेयर थीटा कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स साइन स्क्वेयर थीटा. अब देखिए आप जो प्रूफ करना चाह रहे हैं वो कॉट स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर. अब स्टूडेंट्स कॉस ओवर साइन यानी ये जो टर्म आ रही है आपके पास इससे आपके पास कॉट तो आ जाएगा
इसे हम लिख लेते हैं इसे, दैट इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वेयर थीटा, क्योंकि स्क्वेयर है स्टूडेंट्स दोनों पे। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, स्टूडेंट्स आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, आपकी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स अगर साइन स्क्वेयर थीटा साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो कॉस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को। तो यहां पर मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को रिप्लेस कर दूं कॉस स्क्वेयर थीटा के साथ, सो यस सर वी कैन रिप्लेस इट। तो उसको रिप्लेस कहते हैं, जब आप रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा। और अगेन देखें विच इज योर राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। एंड एट द एंड स्टेटमेंट, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इसे प्रूव हो गया कि आपकी जो राइट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें की प्रॉब्लम होगी आपको। नेक्स्ट पार्ट देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई दफा एमसीक्यू आया भी हुआ है। स्टेटमेंट इज सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा, सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा एंड वी हैव टू शो इट इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा। अगर दोनों ब्रैकेट्स देखें मल्टीप्लाई हैं दो टर्म्स और फॉर्मूला बन रहा आपका, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी ओ इंटू ए माइनस बी ओ फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख लेंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आपकी आइडेंटिटी सेकंड स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। स्टूडेंट्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 1 विच वी हैव टू शो। सो अगेन एट द एंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव होगी किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रूफ देखेंगे। इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा और सी यू टुमारो।